दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज, उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन। दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने सदैव अटल समाधि स्थल जाएंगे पीएम मोदी। कई और दिग्गज बीजेपी के नेता और मंत्री भी देंगे श्रद्धांजलि। राहुल गांधी भी अटल बिहारी वाजपेयी को देंगे श्रद्धांजलि, सदैव अटल समाधि स्थल पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। राहुल गांधी आज वीरभूमि, शक्ति स्थल, शांतिवन, विजयघाट और राजघाट भी जाएंगे। पिता राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी को करेंगे नमन। सुबह 11 बजे पीएम मोदी करेंगे मन की बात कार्यक्रम। कोरोना रिटर्न पर दे सकते हैं जागरूकता भरा संदेश। लालकिले से राहुल गांधी की ललकार, मोदी सरकार को बताया अडानी अंबानी की सरकार। सच्चाई है कि जैसे इन पर लगाम लगी हुई है वैसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पे भी लगाम लगी हुई है। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर संगीन आरोप लगाया, बोले देश में किसानों युवाओं में फैलाया जा रहा है डर। चीन के मसले पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा, कहा जब पीएम ने कहा कि हमारी जमीन पर कोई नहीं आया तो 21 बार चीन से बातचीत क्यों। बीजेपी सरकार पर राहुल का करार हमला, कहा मेरी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए बीजेपी ने लगा दिए। राहुल के हमले पर बीजेपी का पलटवार, रविशंकर प्रसाद ने कहा नफरत से भरी है इनकी सोच, प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करते हैं राहुल। भारत जोड़ो यात्रा रोकने की टाइमिंग पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने घेरा, कहा चुनाव और संसद सत्र के लिए नहीं स्थगित की गई यात्रा, लेकिन क्रिसमस और नए साल पर स्थगित किया जाएगा। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी यात्रा में की शिरकत, दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के लिए उमड़ी भारी भीड़। भारत जोड़ो यात्रा लाल किला में पहुंची, अभिनेता कमल हासन भी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लाल किले पर लोगों को किया संबोधित, बोले धर्म के नाम पर समाज को खत्म किया जा रहा है। देश में कोरोना रिटर्न्स को लेकर बढ़ी चिंताएं, दिल्ली और मुंबई में सीवेज के पानी में SARS-CoV-2 RNA मिला है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पुष्टि की है। दिल्ली और मुंबई के सीवेज कोविड RNA में से केंद्र सरकार अलर्ट पर है, COVID-19 संक्रमण को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां। कोविड वायरस को रोकने के लिए पर्यावरण और सीवेज पर रखी जा रही नजर, मास्क पहनने, भीड़ भाड़ से बचने और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की नसीहत। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य होगा, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के एयरपोर्ट पर रैंडम चेकिंग भी होगी। केंद्र ने राज्यों को दिया निर्देश, अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और जीवन रक्षक उपकरणों की उपलब्धता करें सुनिश्चित। कोरोना रिटर्न पर सतर्क, सरकार ने व्यवस्था जांचने की परखने के लिए फैसला किया, 27 दिसंबर को देशभर के अस्पतालों में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल किया जाएगा। महाराष्ट्र के औंधा नागनाथ मंदिर प्रशासन ने दिखाई जागरूकता, श्रद्धालुओं पुरोहितों के लिए एक बार फिर से मास्क किया गया अनिवार्य। महाराष्ट्र के तुलजापुर में भी मंदिर प्रशासन ने अधिकारियों, भक्तों और पुरोहितों से मास्क पहनने का आग्रह किया। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि कोविड रिटर्न पर घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन कोविड मानदंडों का पालन करें। कोरोना रिटर्न पर विशेषज्ञों की सलाह, जिन लोगों ने अभी तक नहीं लगवाया है कोविड का टीका वो फौरन जाकर लगवाएं। कोरोना की चपेट में आए देशों से आने वाले यात्रियों पर सरकार की नजर, RT-PCR टेस्ट से पॉजिटिव आने पर क्वारंटीन जरूरी। पैसेंजर पहले से ही RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करके ही आएंगे, इंडिया में आने के बाद भी उसका थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा। लखनऊ में एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनिंग की शुरुआत, रैंडम चेकिंग के दिए गए आदेश। कोलकाता के एयरपोर्ट पर भी पूरी तैयारी, मुसाफिरों की जांच हो रही है। हैदराबाद में रैंडम टेस्टिंग तेज, कोरोना को लेकर एक्शन मोड में है सरकार। कोरोना रिटर्न का चीन ने बरपा है कहर, 25 करोड़ लोग बताए जा रहे हैं कोरोना संक्रमित, चीन से आया डरा देने वाला वीडियो, अस्पताल में दिखा लाशों का अंबार। चीन के अस्पताल में छपे पर सील किए गए हैं शव दिखाई दिए हैं, अस्पताल में मरघट सा सन्नाटा दिखा।
चीन में इस हफ्ता सामने आया कोविड मरीजों का चौंका देने वाला आंकड़ा। मंगलवार तक लगभग 37 मिलियन नए कोरोना संक्रमित आए सामने। बीजिंग में कोरोना पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए खास बंदोबस्त। चीन जापान में सैचल संचालित अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टर बच्चों पर रख रहे हैं नजर। चीन ने अस्पतालों में स्वास्थ्य क्षमता का इजाफा किया। कोरोना पीड़ितों के लिए दवा आपूर्ति सुनिश्चित की। दबंग 3 की अदाकार और टीवी एक्ट्रेस तनिषा शर्मा की मुंबई में खुदकुशी। उन्होंने की सीरियल के सेट पर फांसी लगाई। मुंबई पुलिस ने तनिषा की हत्याकांड में उनकी खुदकुशी के इस मामले में सह कलाकार शीजान खान को गिरफ्तार किया। शीजान का 2 महीने पहले तनिषा से ब्रेकअप हुआ था। तनिषा की मां ने शीजान के खिलाफ दर्ज करवाई थी FIR। बेटी को खुदकुशी के लिए मजबूर करने का आरोप। को प्रवृत्त किया करके एक गुनाह दाखिल हो रहा है। किसका नाम आ रहा है सर? कौन सी सुजान? सुजान उसका उसके साथ काम करने वाला लड़का। 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में ICICI बैंक के पूर्व CEO चंदा कोचर और पति दीपक कोचर वीडियोकॉन लोन मामले में गिरफ्तारी हुई है। पीएमओदी ने स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें में अमृत महोत्सव को संबोधित किया। कहा आज भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के विवाद स्थल का होगा सर्वे। 20 जनवरी तक सौंपनी होगी रिपोर्ट। असम के थिंग में AIUDF विधायक अनिमुल इस्लाम का विवादित बयान। कहा संघ और बजरंग दल के साथ कुछ और उग्रपंथी संगठन धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग और हत्या में शामिल है। विधायक अनिमुल इस्लाम ने संघ बजरंग दल समेत कुछ उग्रपंथ संगठनों पर प्रतिबंध की मांग की। कहा यह संगठन PFI से हजार गुना ज्यादा खतरनाक। लेकिन PFI जितने खतरनाक एक संगठन है हम देखते हैं इससे और हजार गुना ज्यादा खतरनाक RSS है, बजरंग दल है, तंजीम है, उनको भी बैन करना चाहिए। आज देश विदेश में मैरी क्रिसमस की धूम। वेटिकन सिटी में चर्च में परंपरागत प्रार्थना का आयोजन। हजारों लोग जुटे। गोवा, मुंबई, कोलकाता में मैरी क्रिसमस पर चर्च में दिखी भीड़ भाड़। लोगों ने मिडनाइट प्रेयर की। मैरी क्रिसमस पर दिल्ली में देखी चर्च की भव्य छटा। बेंगलुरु में चर्च पहुंचे लोग, यीशु की प्रार्थना की। मुरादाबाद में क्रिसमस पर जुटे लोगों में जागरूकता देखी। मास्क पहनकर आए श्रद्धालु। भोपाल में सैलानी नजर आ रहे हैं और सेंटा भी सैलानियों को अनोखा तोहफा दे रहे हैं। झील में सैलानियों को वाटर स्कूटर राइड, सेंटा के साथ राइड कर बेहद खुश दिखी एक लड़की। मिर्जापुर में अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे अपना दल एस के कार्यकर्ता। पुलिस पर पार्टी के कार्यकर्ता की पिटाई का आरोप। यूपी के बरेली में चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान। नगर निगम ने बनाई 5 टीमें। हुगली में TMC नेता की बदसलूकी का वीडियो वायरल। चुचुड़ा नगर पालिका के चेयरमैन ने BJP नेता के पिता से बदसलूकी की। मुरादाबाद पुलिस ने एक युवक का वायरल वीडियो जो था उस पर गिरफ्तार किया गया। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता हुआ भड़काऊ बयान दे रहा था। दरभंगा एयरपोर्ट पर पुलिस ने कलामुद्दीन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। उसके पास एक मैगजीन, 3 कारतूस मिले। बिहार में शराबबंदी का मखौल उड़ता दिखा। सीतामढ़ी में शराब पीकर सड़क पर बोतल फेंकता दिखा एक शख्स। सीतामढ़ी में इंसाफ की जंग के लिए लड़ रहा है एक परिवार। अनशन पर बैठा 11 अप्रैल 2020 को नाबालिग बेटी से बलात्कार के कुछ वक्त के बाद कर दी गई थी हत्या। अब छोटी बेटी से करते हैं छेड़खानी। केस वापसी का बना रहे दबाव। कुमाऊं के सुशीला तिवारी अस्पताल में डॉक्टर के नशे पर होने पर हंगामा बरपा। डॉक्टरों की आपस में हुई बहस, वीडियो वायरल। बरेली में बिना लीज 45 साल से चल रहे पेट्रोल पंप को DM ने किया सीज। मालिका नहीं दिखा पाए जरूरी दस्तावेज। राजस्थान लोक सेवा आयोग की टीचर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मामले में बड़ी गिरफ्तारी। पुलिस ने सभी 46 आरोपियों को अरेस्ट किया। BJP युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। मंत्री बुलाकी दास काला के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जादवपुर यूनिवर्सिटी लैब छात्र संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग।
बीजेपी नेता पर हुए हमले में भीम आर्मी के 40 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज, भीम आर्मी ने हमले से किया इनकार। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सत्ता में रही तो न्याय मिलना मुश्किल, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया था वो संविधान ही खत्म कर देंगे। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात के मानसा पहुंचे, गोवर्धन नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। ईसाई समुदाय के लोगों से मिले सीएम नीतीश कुमार, क्रिसमस के अवसर पर अग्रिम बधाई दी। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के आंदोलन पर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने दिया बयान, बोले सरकार उनकी मांगों पर करे विचार, सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। हरियाणा के सोनीपत में आबकारी विभाग के सख्ती से वसूला गया 28,50,00,000 रुपए, शराब कारोबारी ने बिना शुल्क जमा कराए बेच डाला था शराब की करीब 6,00,000 पेटी। सोनीपत के आबकारी आयुक्त नील रतन झा ने शराब कारोबारी से जुर्माना और आबकारी शुल्क वसूलने की पुष्टि की, कहा अभी ठेकेदार से भी विभाग ने जमा करवाए करीब 66 करोड़ रुपए। अंबाला में आबकारी कर्ताओं का हंगामा, मखन सिंह लबाना की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। अलवर के आरपीएससी की परीक्षा लीक होने के मामले में अभ्यर्थियों का हंगामा, पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। कानपुर में डीएम कार्यालय के बाहर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का धरना, वेतन की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। बिहार के सहरसा में 13 सड़कों पर जरूरतमंदों के बीच में डीएम ने बांटे कंबल, कोविड के नियमों का पालन करने का भी आदेश दिया। सहरसा में मंत्री लेशी सिंह ने प्रतिरोध मार्च निकाला, विपक्ष पर लगाया माहौल खराब करने का आरोप, शराबबंदी को बताया ऐतिहासिक निर्णय। लोन नहीं चुकाने पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री की कुर्की का नोटिस, होटल के लिए लिया गया था 65,00,000 का खर्च। शपथ से पहले अलग अलग पार्टी के पार्षद एक्शन में अपने अपने वार्ड में लोगों के बीच में जाकर साफ सफाई करते दिखे। एनआईए ने आतंकवादी गतिविधियों को लेकर चलाया सर्च ऑपरेशन, जम्मू के अरण्या में छापेमारी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में वो शामिल हुए, मौके पर भगवान महावीर के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। राजस्थान की बूंदी में आरपीएससी के सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का पेपर लीक, सीएम गहलोत ने अब सीएम के खिलाफ अभ्यर्थियों ने नारेबाजी की। पेपर लीक मामले में महानिदेशक पुलिस का बड़ा ऐलान, बोले नकल गिरोह के विरुद्ध लगेगा एनएसए और संपत्ति भी होगी जब्त। हरियाणा के करनाल में डेरा कार सेवा के संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग, राकेश टिकैत समेत संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान शामिल हुए। उत्तरकाशी के रामचंद्र उनियाल कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी और ओम ग्रुप के छात्रों में मारपीट, एक छात्र नेता के सिर पर गंभीर चोट आई। टोंक शहर हुआ 1077 वर्ष पुराना, स्थापना दिवस पर निकाली गई शोभा यात्रा, आजादी से पहले नवाबी रियासत था टोंक। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया विस्तृत प्लान, परिसर से सटे क्षेत्र को प्रतिबंधित मंदिर सर्किल 1 और मंदिर सर्किल 2 के रूप में चिन्हित किया गया, आगे और भी गाइडलाइंस जारी होने की आशंका। उत्तरकाशी के पुरोला में धर्मांतरण के मामले में लोगों की नाराजगी, ग्रामीण और हिंदूवादी संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही प्रदर्शन किया। जोशीमठ नगर में हो रही है भू धसाव की घटनाएं और इसे लेकर लोगों ने जुलूस निकाला, विधायक राजेंद्र भंडारी भी आंदोलन में शामिल हुए। बोधगया में स्वास्थ्य विभाग ने बनाए कोविड जांच केंद्र, दलाई लामा ने के प्रवचन के 60,000 बौद्ध श्रद्धालुओं के भी इसमें आने की संभावना।